बैक टू माय चैनल। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेज की सूप की रेसिपी। फटाफट से बनने वाला सूप है, बच्चों और बड़ों सबको पसंद आएगा, और सर्दियों में सूप मिल जाए तो कहने ही क्या। तो आप भी बनाइए, फटाफट से अपने परिवार को पिलाइए, और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने जो है मिक्स वेज सूप के लिए कुछ सब्जियाँ निकाल कर रखी हुई हैं, उनको अच्छे से चॉप किया हुआ है। और एक बात और बता दूं कि सूप बनाने के लिए सब्जियों को फाइन चॉप करना जरूरी है। आप चाहें तो सब्जियों को क्रश भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर फाइन चॉप किया हुआ है। चलिए आपको मैं पहले सब्जियाँ दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले ये है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज, और ये है कैरेट, गाजर, कैप्सिकम, ग्रीन वाली कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, कैबेज है जिसे कि पत्ता गोभी बोलते हैं, साथ ही ग्रीन पीस है, हरे मटर, टोमेटो है, और इसे भी मैंने फाइनली चॉप किया है। दोस्तों एक बात और बता दूं कि आपने देखा होगा कि मिक्स वेज सूप में टमाटर नहीं डालते हैं लोग, पर मैं यूज़ करती हूँ, और उसके बाद से आप देखेंगे डेफिनेटली आपको स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद आएगा टमाटर ऐड करने के बाद। प्याज है, इसे भी बारीक चॉप किया है, ग्रीन कोरिएंडर यानी कि हरी धनिया की पत्तियाँ, साथ ही यह है स्वीट कॉर्न, फ्रोजन वाले कॉर्न हैं, और जिंजर है जिसे बारीक चॉप किया है, ग्रीन चिली है, साथ ही यह गार्लिक यानी कि लहसुन। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, क्योंकि कई बार कुछ सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आती है कि मैम आप जो है बताया करो हिंदी इंग्लिश दोनों में, कुछ लोग बाहर के होते हैं उनको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों नाम बताए हैं। तो चलिए यहाँ पर सब्जियों को दिखाने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर सूप बनाने के लिए मैंने जो है गहरी कढ़ाई ली है, आप किसी गहरे बर्तन का यूज़ करें सूप को बनाने के लिए, और इसमें हम जो है ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल मैं यहाँ पर एक बार 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आप सूप कम बना रहे हैं तो ऑयल की मात्रा आप कम कर सकते हैं, या इस सूप को आप बटर में भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ऑयल ले रही हूँ। और ऑयल को पहले गर्म करते हैं। तेल के गर्म होने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे गार्लिक, जिंजर, साथ ही ग्रीन चिली, और तीनों चीज़ों को हल्का सा सॉटे कर लेंगे। इसके बाद कटी हुई प्याज, प्याज को भी हल्का सा फ्राई करेंगे। ध्यान रखें दोस्तों कि सूप जब हम बनाते हैं तो फिर सब्जियों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है, इन्हें हल्का हल्का सा सॉटे करेंगे जिससे कि इनका जो है टेस्ट बरकरार रहे। प्याज को कुछ सेकंड्स के लिए ही फ्राई करेंगे। प्याज के बाद हम डालेंगे टमाटर, टमाटर के साथ ही एक बार हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं, और बाकी अगर नमक कम होगा तो वो हम बाद में ऐड करेंगे। टमाटर को भी हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। ध्यान रखें कि ये सारी कुकिंग अभी हम हाई फ्लेम पर ही कर रहे हैं, और टमाटर को चलिए 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। टमाटर को सॉटे करने के बाद अब मैं यहाँ पर लूँगी गाजर, और गाजर के साथ ही साथ हम डालेंगे कैप्सिकम, साथ ही कॉलीफ्लावर, चॉप्ड कैबेज, सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और मिक्स वेज में दोस्तों आप जो भी सब्जी चाहें वो ऐड कर सकते हैं, ग्रीन बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी ग्रीन बीन्स नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया। तो चलिए इन सब्जियों को हाई फ्लेम पर हम 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। तो अभी यहाँ पर सब्जियों को मैं 1 मिनट से फ्राई कर रही हूँ, और आप देख रहे हैं सब्जियाँ काफ़ी अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। तो अब यहाँ पर मैं फ्लेम को एक बार सिम करूँगी, और इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ चिली सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे तो टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो चिली सॉस मैंने लगभग 2 टेबल स्पून ली थी, और सोया सॉस मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ जिससे कि इस सूप में अच्छा सा कलर आए। इसके अलावा टोमेटो सॉस है जो कि लगभग 3 टेबल स्पून है, और दोस्तों मैं यहाँ पर सूप ज़्यादा बना रही हूँ तो मैंने सॉसेस की मात्रा भी ज़्यादा रखी है। अगर आप कम बनाएं तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम कर लें। और सॉस को हम यहाँ पर हल्का सा फ्राई कर लेते हैं सब्जियों के साथ लगभग 30 से 40 सेकेंड के लिए, और ध्यान रखें कि फ्लेम इस टाइम पर हम तेज़ ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर ही ये सारा काम करना है। और अब इसके बाद टाइम है सूप में पानी ऐड करने का। पानी हम लगभग 4 से 5 गिलास ऐड करेंगे। सब्जियों के साथ इस पानी को अच्छे से मिक्स करें।
पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं यहाँ पर पानी थोड़ा सा हाफ ग्लास और ऐड करूँगी। और अब पानी डालने के बाद हम इस पानी में एक उबाल आने देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं करना क्या है। तो अभी जो है यहाँ पर सूप में काफ़ी अच्छा सा उबाल आ चुका है। इस टाइम पर हम एक दो चीज़ें और ऐड करेंगे। तो मैं ले रही हूँ स्वीट कॉर्न, साथ ही ग्रीन पीस। ये दोनों चीज़ें फ्रोज़न हैं इसलिए मैंने इन्हें फ्राई नहीं किया था, इसे पानी के साथ ऐड किया है। और अब इस सूप को हम एक बार छोड़ेंगे अच्छे से कुक होने के लिए, जिससे कि इसमें जो सब्जियां पड़ी हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और सूप पीने में काफ़ी टेस्टी बनता है। तो बस यहाँ पर मैं इस सूप को छोड़ूंगी सिम फ्लेम पर लगभग 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम वापस इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों जब तक सूप पक रहा है तब तक हम एक काम कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पर इस बोल में लिया है कॉर्नफ्लोर जो कि लगभग 3 टेबल स्पून है, और इसमें अब हम पानी डालकर इसका एक स्लरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार करके रख ली है, और ध्यान रखें कि इसमें कोई लम्स ना रहें। तो अभी इसमें एक दो लम्स दिख रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से जब चला देते हैं तो बस हमारा घोल बहुत ही बढ़िया सा रेडी हो जाता है। इसे हम एक बार साइड रखते हैं और सूप के पकने का वेट कर लेते हैं। यहाँ पर सूप हमारा काफ़ी अच्छे से पक रहा है। इसके बाद से मैं जो है बचा हुआ नमक, क्योंकि हमने नमक थोड़ा ही ऐड किया था, वो यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। साथ ही हरे प्याज जो कि हमने पहले नहीं ऐड किए थे, बाद में ऐड करते हैं, इससे क्रंचीनेस काफ़ी अच्छा आता है हरे प्याज का। तो यहाँ पर अभी मैंने बाकी का नमक और हरा प्याज ऐड किया, और उसके बाद से जो है इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर मैं लगभग 1.5 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टाइम है लगभग 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर ऐड करने का, जिससे कि सूप में काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छी सी खटास आएगी इस सूप में। और सबसे लास्ट में कॉर्नफ्लोर की स्लरी जो हमने बना कर रखी थी वो हम ऐड करेंगे, और डालने से पहले इसे एक बार अच्छे से चला लें, और बस सूप को अच्छे से स्टर कर लें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है जमने लगता है। फ्लेम को तेज रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए एक बार पका लेते हैं, और आप देखेंगे कॉर्नफ्लोर के डालते ही हमारा सूप जो है गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो चलिए इसे मैं पकाती हूँ, और अब यहीं पर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच भर के चीनी ली है, और जो शुगर हम डालते हैं दोस्तों उससे सूप का टेस्ट एकदम डिफरेंट आ जाता है, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है, क्योंकि हमने इसमें विनेगर भी ऐड किया है। साथ ही शुगर ऐड करने से खट्टा मीठा सा टेस्ट हो जाएगा। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पकाएंगे, एक हल्का सा उबाल आने देंगे सूप में। तो अभी जो है आप देख रहे हैं सूप में बहुत अच्छा सा उबाल आ गया है, साथ ही सूप का कलर भी दोस्तों बहुत ही टेम्पटिंग है, बहुत ही बढ़िया सूप बना है। एक बात और बताना चाहूँगी, इस सूप में अगर आप चाहें तो सॉस वगैरह का ऐड ना करें, सिर्फ आप विनेगर ऐड करें, या फिर विनेगर भी नहीं हो तो आप लेमन जूस का ऐड कर सकते हैं इस सूप में। ये सूप आप सिंपल भी बना सकते हैं, सॉसेस के साथ भी बना सकते हैं। मैंने इसे सॉस के साथ बनाया है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो बस अब यहाँ पर इस सूप को हम 1 मिनट के लिए और पकाएंगे, और बहुत ही बढ़िया सा दोस्तों हमारा। तो यहाँ पर इस सूप को हम सिर्फ 1 मिनट के लिए और पकाएंगे, तो बहुत ही बढ़िया सा जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा सूप बनकर रेडी होने वाला है। तो चलिए इसे मैं 1 मिनट के लिए और पका लेती हूँ, और फ्लेम को हम सिम करेंगे, सिम फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सूप हमारा काफ़ी अच्छे से पक कर तैयार हो चुका है। अब मैं गैस को बंद करूँगी, सूप बहुत अच्छे से गाढ़ा भी हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन से गार्निश करेंगे, साथ ही थोड़ी सी हरी धनिया से भी गार्निशिंग करें, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। हल्का स्टर कर देंगे, और अभी आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया टेम्पटिंग सा सूप बनकर रेडी हो चुका है। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया दिख रहा है। और जब हम सूप को थोड़ा सा रखते हैं, हल्का सा ठंडा करते हैं, तो ये और गाढ़ा होगा, इसलिए आप शुरू में इसे हल्का सा पतला ही रखें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों मिक्स वेज सब्जियों से भरपूर ये सूप कितना टेस्टी दिख रहा है, साथ ही हेल्दी भी है और न्यूट्रिशन से भरा हुआ, बच्चे बूढ़े सबको पसंद आएगा। तो दोस्तों इस सूप की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। फिर मिलूंगी अपने नए वीडियोस में नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।